नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अरुण जेटली पहुंचे अमृतसर, सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डेरा बाबा नानक हुए रवाना। अमृतसर गलियारा के पास बने होटलों के मालिकों ने अनिश्चित काल के लिए किया हड़ताल का ऐलान। अमृतसर शिहाटा नारायणगढ़ में रहने वाले एक आदमी राजू गुप्ता ने की आत्महत्या। पंजाबी फिल्म कंट्रोल भाजी कंट्रोल की स्टारकास्ट अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए पहुंची अमृतसर। अब खबरें विस्तार से। सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली अमृतसर पहुंचे। अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वह सीधे अमृतसर कैंट की और उसके बाद डेरा बाबा नानक की ओर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर अरुण जेटली का पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया और अनिल जोशी ने स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली को पंजाब और खासतौर पर अमृतसर की सारी स्थिति के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि वह अरुण जेटली के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पंजाब को एक बढ़िया विद्या का स्थान और अमृतसर को हेरिटेज का दर्जा दिया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि उन्होंने इसे अमृतसर एयरपोर्ट के बर्मिंगम और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइटों की मांग की है ताकि इस एयरपोर्ट की तरक्की हो सके। ओ, पंजाब वास्ते उन्ना ही जानते हैं जिन्ना मैं जानता जा मजीठा साहब जानते, और उन्होंने धन्यवाद के पहला ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन श्री अमृतसर साहब नू देता और हेरिटेज सिटी भी बताता, तो उन्होंने तो जवाब ही कोई नहीं। अज के डिमांड करनी है जी, इतने को आए मेहमान ना आप, अजे तो 5 मिनट हूँ आते, 4 बजे तो जाएंगे, 4 बजे फिर आएंगे, शाम तक पता लग ही जाएगा। ये नहीं होंगे भी तुरे जाते हैं जिम्मे घेर लें भी डिमांड, तुम तो डिलीवरिटी हो, सानू तो थोड़ा जा सिस्टम रखना पैंदा ना, प्रॉपरली तैयारी करके दफ्तर जाइए, उत्थे जाके दसीए फैक्ट दसीए, तुरे जाते तो नहीं ना एडे एडे काम होंगे। सर अरुण जेटली जी ने ना सबसिडीज बारे कुछ सेंटर जेड़ा है यूपीए दे ओदे क्वेश्चंस रेज किए ने, तो आर यू ऑलसो गोइंग टू रिव्यू पंजाब दा जितना, क्योंकि पंजाब इज डोलिंग आउट ऑफ ह्यूज सबसिडीज, कोई तुम असी सबसिडी कड़ी दे रहे हैं जी रैशनलाइज करने लिए कोई ए, असी सबसिडी सिर्फ एक एग्रीकल्चर नु दे रहे हैं, वो भी सारी दुनिया च एग्रीकल्चर नू साढ़े नालों कई गुणा ज़्यादा देंदे है। सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंट है बनस्पता दे, जे असी ये भी ना दे तो तुम इतों छड़ के भज जाएंगे, कितने जावे फिर रोटी कितों खावे। सारी दुनिया वेखो ना, भावें किसी देश वेखो, एग्रीकल्चर नू हमेशा हाईली सबसिडाइज एक प्रोफेशन। देखो मैं समझदा कि फ्लाइट्स की मेन मंग है, पहला बर्मिंगम का कनैक्शन इतों चलता सी, असी बर्मिंगम का कनैक्शन ऑस्ट्रेलिया ते बैंकॉक नू रिव्यू फ्लाइट्स का चाहते। कल रात अमृतसर के गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आए हुए श्रद्धालुओं ने भजन गाकर भगवान कृष्ण जी की लीला का गुणगान किया। इस दौरान मंदिर में माथा टेकने आए श्रद्धालुओं के लिए लंगर भी लगाया गया। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान वालों के सौजन्य नाल इतने शुरू हुए हैं, तो ये कल 18 तरीक को जन्माष्टमी का त्यौहार जोड़ा है राज भगवान कृष्ण के जन्म के नाल भोग पैना जी, तो बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं। जिहड़ी गरिमा भारती जी का प्रवचन है वो बहुत उन्हों की कमिटमेंट है, बहुत सुंदर, बड़ा माधुर्य है, और घट तो घट हज़ारा बंदे जोड़े ने रोज़ इतने वो प्रवचन सुनते हैं, इस सारे इलाके के उन्होंने श्रद्धालु सारे आ के हर साल ये पिछले अच्छ 6 दिन है जी, 12 तो 18 तक के प्रवचन जोड़ा है
ਉਹ ਚੱਲਣਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਗਮਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵੀ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜੇਲੋਂ ਮੇ ਬੰਦ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਪੈਰੋਲ ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਕੇ ਕਾਰਭੂ ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਰੂਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨਕੇ ਪੀਏ ਕੋ ਸੌਂਪਾ। ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੇਂ 4 ਮੰਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਦਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੋ ਵਹਿ ਫਿਰ ਸੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਜਾ ਬੈਠੇਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 52 ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਤੇ ਸਨ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੜਾਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਵਾਓ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। 3 ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਹੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਬਣੇ ਹੋਟਲੋਂ ਕੇ ਮਾਲਿਕੋਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਹਮ ਉਸਕਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹੋਟਲੋਂ ਕੇ ਮਾਲਿਕੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲੋਂ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੋ ਹਮ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ MTP ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ SIT ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰ ਜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, SIT ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਿਆਟਾ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਮੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗਲੇ ਮੇ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਕਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
इस आदमी की उम्र 45 वर्ष बताई जाती है। मोहल्ले वालों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके मरने की खबर आज सुबह 7 बजे लगी। जानकारी के मुताबिक ये आदमी रोजाना शराब पीता था, पर इनके घर में लड़ाई झगड़े की बात कभी भी सामने नहीं आई। पर राजू गुप्ता की मौत का कारण कोई सामने नहीं आया है। ये आदमी शादीशुदा था और इसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। जब पत्रकारों ने इसकी पत्नी विशाली गुप्ता से बात करनी चाही तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कर रहे जी 174 CRC तहत की पोस्टमार्टम कराया जा रहा जी। अगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी आएगी वो आधार पर अगली कार्रवाई अमले में लिया जाएगी। प्रोपर एड्रैस जी राजू गुप्ता सन ऑफ किशन दास विशाल कट पीस दास क्वार्टर नारायणगढ़ छियाटा अमृतसर का रहने वाला जी। काम यह दस दिया जी अक्सर ही शराबी रहिंदा ही ते शराब ही पी हटदा ही ते वेला डटा रहिंदा। किन्ने क बजे सर मामला दिता जो घरद्या दसा जी करीब 7 बजे उठे आ जी तो उदो वेख्या इन्होंने तो फा लिया है। नहीं जी यहो जी कोई गल सामने नहीं आई, ना कोई पहला मुकदमा दर्ज है तो ना घरद्या वालों कोई यही लड़ाई झगड़े वाली गल ही स्पष्ट हुई है जी। नहीं जी कोई चीज़ नहीं मिली। अगली कार्रवाई 174 CRC तहत पोस्टमार्टम करा रहे हैं जी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो आधार के उत्ते अगली कार्रवाई अमल की जाती है। 22 अगस्त को रिलीज होने जा रही पंजाबी फिल्म कंट्रोल भाजी कंट्रोल की स्टारकास्ट फिल्म की प्रमोशन के लिए आज गुरुनगरी अमृतसर पहुंची। फिल्म की स्टारकास्ट के मुताबिक फिल्म एक हल्की फुल्की लेकिन स्टोरी बेस्ड कॉमेडी फिल्म है जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है। बहुत ही साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, एंटरटेनमेंट फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। दो मुंडे हैगे, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने, दो कुड़ियां ने। जिहड़ा मेरा कैरेक्टर है ये थोड़ा शरारती है कैरेक्टर, ये हमेशा उठदा पैंदा है ते सारे नू विच पा दिंदा है, सारे नू कन्फ्यूज कर दिंदा, सारी स्टोरी नू ही पुट्ठा सिद्धा कर दिंदा है। तो ये जिहड़ा कैरेक्टर है ये करके जिहड़ी चीज़ सीधी होनी होंदी है वो भी पुट्ठी पै जांदी है। सो ही इज़ द डेविल ऑफ द फिल्म। तो सैंडी जिहड़े ने ये संग्राम के ऑपोजिट ने, ये तो तुहानू देखना पैना फिल्म। नहीं ये तो मैसेज ये असी मतलब कोई खास इदा नहीं कि असी कोई सोशल मैसेज लैके फिल्म नहीं बना रहे, बट हाँ मतलब ये है सब तो पहला तो एंटरटेनमेंट है जी। 2 घंटे 10 मिनट की एंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। तुसी अपने जिन्हें भी थोड़े स्ट्रेस है, टेंशन है, उन्होंने तुसी थोड़ी देर भुल के साथ को आओ, असी तुहानू एंटरटेन करांगे, साडा काम है। दूजा जिहड़े मुंडे ने ये दिखाए है जिदा हुंदे ने जदों यंग हुंदे है तो यू नो अपने डैडी मम्मी की गल नहीं सुन मनते, अपने अपना दिमाग उदा ही लाते हैं तो उन्होंने की हुंदा है। हाँ जी हाँ जी फ्लर्ट इन द सेंस कि फ्लर्ट इदा नहीं दिखाया, वो दिखाया कि जदों भी मुंडे खुंडे जो जवान होंगे वो बाहर जाते हैं सोसाइटी में तो उन्होंने की हुंदा है। तो वो ऑब्वियसली फिल्म है थोड़ा एग्जैजरेट भी करना पैंदा क्योंकि मीडिया ही साडा इदा है। हाँ जी मेरी एक तो बाद 2 हिंदी फिल्म आ रही ने, एक जनवरी है, एक आई थिंक हले फेब या मार्च में आएगी। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है प्रतीक बब्बर के नाल, एक जी है मेरी वो सोलो रोमांटिक फिल्म है वो पूरी आगरा शूट हुई है तो वो नैक्सट ईयर की स्टोरी है। पंजाबी फिल्म आ रहे हैं भाजी नाल बैठे समाइल दे रहे जेडे, प्लानिंग चल रही है, असी इंडस्ट्री नू समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वेल्ले काफ़ी फिल्टर हो चुकी इंडस्ट्री साड़ी, पहला बहुत सारी फिल्म आ रही थी दे वर नॉट डूइंग वेरी वेल, तो इस तो बाद वी विल बी कमिंग अप विद समथिंग इंटेंस। मैं कैमरा च देखना ओके अपने रोल बारे ठीक। मेरा नाम संदीप कौर है, तो कंट्रोल भाजी कंट्रोल फिल्म मेरी डेब्यू फिल्म है
और इस पंजाबी फिल्म दे विच मेरा कैरेक्टर सैंडी दा ही है, जो कि मेरा निक नेम भी है, मतलब दोस्तों भी रख्या हुआ। लेकिन इस फिल्म के जिहड़े डायरेक्टर साहब ने गौरव जी, उन्होंने इस फिल्म दे विच भी उही नाम कैरी ऑन किया। तो जिवें कहानी दो भरावां दे बारे है, इहदे विच इन्ने सारे सीनियर आर्टिस्ट ने, हर कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उहदे नाल नाल दो भैणां भी ने इहदे विच, सैंडी मैंडी। तो मैं सैंडी का किरदार निभा रही हाँ जी। 2012 दे विच फिल्म स्टार्ट हुई सी बाणी, और हाँ जी ये मेरी पहली फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है 2 अगस्त। जी मैं गौरव सिंह, डायरेक्टर ऑफ अपकमिंग फिल्म कंट्रोल भाजी कंट्रोल। फिल्म के गाने तुसी सब ने सुपर हिट कराते हुए है, गीता भाजी का, नछत्र सर का, जस्सी गिल जी का, मास्टर सलीम जी का। स्टारकास्ट तुहानू बहुत पसंद आ रही है, मैनू पता, करण कुंद्रा, संग्राम सिंह, चंदन प्रभाकर, कॉमेडी नाइट, उपासना सिंह जी, बी एन शर्मा जी। फिल्म में भी सुपर हिट कराओ, 2 अगस्त में जरूर देखन जाओ नज़दीकी सिनेमाघर। कंट्रोल भाजी कंट्रोल नाम ताज माग जाए जी, क्योंकि हर बंदा इस फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्होंने कंट्रोल करने लिए बार बार कहना पैदा कंट्रोल भाजी कंट्रोल। नहीं नहीं, फिल्म का नाम पहले ही स्क्रिप्ट के टाइम पर ही सोच लिया, टाइटल सब जगह सूट करेगा। साड़ी एक होर हुक लाइन है जी, भंगड़े पैनगे हाल गूंजनगे, पहुंचो सारे थिएटर 2 अगस्त में। केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली डेरा बाबा नानक में सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शाम करीब 4 बजे गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। सर्कट हाउस में उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह सचखंड श्री हरिमंदर साहब में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे, जहाँ SCPSG प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ की ओर से उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर SGPC प्रधान ने अरुण जेटली से श्री हरिमंदर साहब के आसपास आने वाले रास्ते को खुला करने के लिए पैकेज दिए जाने की मांग की। पहला था ये जरा सचखंड श्री हरिमंदर साहब आला दुआला है, यदि साफ सफाई वास्ते आले दुआले जरा पोल्यूशन का माहौल बनया हो रोकने वास्ते इन्हों जतन तो नहीं, हम मैं कह सकता भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो लोकल प्रशासन है वो नगर मेयर साहब ने, चाहे कमिश्नर साहब ने, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, इन सारे इस इलाके का जिते लखा लोग रोज सतसंग श्री हरिमंदर साहब के दर्शन दारे लिए आते हैं, और जो यह हालत देखते हैं मैं बहुत शर्म आती कहते हैं। क्यों नहीं, असं तो चाहवागे ये जरा शहर है, गुरु रामदास महाराज ने जिस नगरी को वसाया अपने हाथी, वो नगरी जिनी खूबसूरत हो, जिनी शोभा हो, जिन्ना लोगों के लिए, देखो लोगों की खिच का केंद्र तो सचखंड हरिमंदर साहब है। सतगुरु ने गुरबाणी ची फरमाया, जिथे सभ्य थाम नहीं तुर जया मधो पुरख बदाते तातुस होया, पर जिथे यह जहाँ स्थान से शोभत है सचखंड हरिमंदर साहब वर्गा, होर भी तीर्थ स्थान ने वक् वक्त धर्मां दे, मैं समझदा कि इस नगरी नूं जिन्ना खूबसूरत बना सकते केंद्र सरकार नूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, सारा कुछ इन्हां दे हत्थ च, उन्हां नूं चाहीदा कि इन्हां नूं इहदा आला दुआला जिहड़ा इस शहर की खूबसूरती लई काम करन, जिहड़ियां जिहड़े धार्मिक स्थानां नूं जाण वाले रस्ते तंग ने, इन्हां नूं खोलण वाले पासे जाना चाहिए।
बीजेपी के फाइव ब्रांड नेता वरुण गांधी के घर एक लड़की पैदा हुई है। घर में लड़की पैदा होने से वरुण और उनकी पत्नी यामिनी राय चौधरी बेहद खुश है। वरुण गांधी ने अपनी इस खुशी को अपने समर्थकों के साथ ट्विटर पर भी साझा किया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अंसुआ रखा है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर सीमा पर आर्मी और आरएसपुरा सेक्टर की 24 चौकियों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और बीते 9 दिनों में पाकिस्तान की ओर से ये 14वां सीज फायर उल्लंघन है। पाकिस्तान की फायरिंग में भारत का एक नागरिक जख्मी हो गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग खत्म करने की बात कही है, तब से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तियां लेने वाला 5 सदस्यीय थिंक टैंक योजना आयोग की जगह लेगा। सूत्रों के हवाले से संभावना जताई जा रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु इस पैनल के सबसे अहम चेहरा हो सकते हैं और साथ ही मुक्त परियार की हमायती भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया और विवेक देबराय इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अरुण जेटली पहुंचे अमृतसर, सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डेरा बाबा नानक हुए रवाना। अमृतसर गलियारा के पास बने होटलों के मालिक